गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ 4 दबाएं। मोहब्बत बरसा देना तू सावन। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल बोलो। भैया 2 मिनट चाहिए थे अंकिल। अरे बोल, कौन रहा है? अजय, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल। आदमी के जो अकल है ना। हाँ अकल, वो बादाम खाने से नहीं आती। फिर कैसे आती है अकल? धोखा खाने से आती है। हेलो सुनिए, मैं उस्मान बोल रहा हूँ। किसका सामान? सामान नहीं, उस्मान। हाँ बोल उस्मान। तुम मान गए मैं उस्मान बोल रहा हूँ? तब तूने तो बोला अपने मुँह से कि तू उस्मान बोल रहा। नहीं नहीं, मैं तो बहुआ बोल रहा हूँ। मैं तो बस आपको धोखा दे रहा था। चांटा मारूंगा। शाह जी, आपको ये बात साबित करनी थी कि इंसान के दिमाग, हेलो, बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है। अबे बादाम तू खाते में कर। हेलो जी, उस्मान बोल रहा हूँ। अरे मेरे को पता, तू बहुआ बोल रहा है। बहुआ, तेरे धोखा खाने से अकल आ जाएगी। अब तू पहचान गया कि मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ तू बहुआ ही बोल रही है। सुनिए, मेरे ना चिवड़ी मोहल्ले में गोश्त की दुकान है। चिवड़ी मोहल्ले में? नहीं नहीं, मैं तो आपको धोखा दे रहा था यार। कोई दुकान नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। तेरी अकल बढ़ाने के लिए धोखा खिला रहा था। पागल साले, मारूंगा अगर तुम्हारा फोन आ गया। तुझे तेरा कॉलर ट्यून याद दिलाता हूँ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मोहब्बत वर्षा देना आया। गाना कॉपी करने के लिए 4 दबाएं। शुल्क लागू। मोहब्बत वर्षा देना तू। अरे ओ धोखे की औलाद, मांग मत खराब कर मेरा। फोन में से घुस के मारूंगा साले तेरे को। हेलो, कौन बोल रहा मैडम? किसको गंदा बोल रहा, तू गाली दे रहा? अरे मैडम, मैंने आपको क्या बोला? क्या बोला? आपको सारा बैलेंस चूस लूंगी। अरे इस नंबर से फोन कर रहा और वो बोल रहा है कि धोखा खाने से अकल आती है। बादाम खाने से नहीं? बादाम खाने से नहीं। ये आपको भी फोन आया? ओ मेरे को भी फोन आया मैडम। अच्छा, उस्मान ने फोन किया? उस्मान ने चिबड़ी मोहल्ले में? उस्मान उस्मान कोई नहीं है, वो बहुआ बोल रही है। ओ मतलब आपके भी अकल आ गई धोखा खा के? मतलब मैं और बहुआ, एक सेकंड, साथ में हम लोग फोन। बहुआ? हाँ जी, हम लोग साथ में फोन करते हैं। बहुआ नहीं, उस्मान। उस्मान बोल रहा हूँ। हेलो दोनों के। हेलो, उस्मान बोल रहा है चिबड़ी मोहल्ले में गोश्त की दुकान। नमस्कार अंकिल, बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? एकदम बढ़िया जी, जैसे आपने छोड़ा था वैसे ही है। मेरी दादी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे जब भी वो खाने में डालती थी, आप ही के नाम वाला मसाला डालती थी जी। सॉरी। तो बहुआ आपसे एक सवाल पूछेगा। हाँ जी। सो हर सवाल का फिल इन द ब्लैंक्स में एक सिंगल वर्ड होगा। ठीक है। एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा लड़का था, डैश 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 करने की आदत थी उसकी। कोई कुछ भी बोलता था, डैश ही जवाब आता था। लड़का डैश का बड़ा शौकीन था। कीबोर्ड होता है ना कंप्यूटर का, उसका फेवरेट बटन भी डैश का बटन था। अच्छा। ट्रिकी हाँ। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी जो क्रश थी, गर्लफ्रेंड, उसने कहा यू डैश, इट्स डैश फ्रॉम मी। तो उसको लगा कि उसने कोई पाप किया है। फिर वो अलाहाबाद गया। फाइनल लाइन, उसने डैश का पकड़ के नहाने चला गया गंगा में। नमस्कार बादशाह जी, डैश का मतलब बता पाएंगे? और जैसे कि निया तरीफा चाहिए दिए थे। कुछ नुकीला सामान तो नहीं रखा है आपने अपने पास जो फेंक के मार दोगे जब मैं जवाब बताऊंगा? बाबा जी मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो जवाब है जी 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 जी, जी करने का मतलब। तो जी का पकड़ के वो नहाने चला गया। हाँ। जी का पकड़ के गया, वो तो वायरस होता है जी का। पता नहीं। एक लास्ट गेस। हिंट? चलो मैं बता, आपका शो कौन से चैनल पे आता है? रेड एफएम। रेड एफएम की फ्रीक्वेंसी क्या है? 93.5। हाँ? 93.5। अच्छा, उसमें तीन नंबर्स कौन कौन से हैं? 935। पहला कौन सा है? 9। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 9। यही जवाब है। जोरदार तालियां। अब मैं बताता हूँ, देखो, एक बड़ा ऑकवर्ड लड़का था, नो 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 करने की उसकी आदत थी। जब भी कोई उसको बोले, उसका जवाब नो में आता था। लड़का नो का इतना शौकीन था कि कीबोर्ड में भी उसका फेवरेट बटन नो का बटन था। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी क्रश ने उससे कहा यू नो आई डोंट लाइक यू, इट्स नो फ्रॉम माई साइड। उसको लगा कि उसने कोई पाप किया, तब वो अलाहाबाद में नौका पकड़ के चप्पू वाला नौका पकड़ के नदी में गया नहाने। क्यों किया? किसने? उन्होंने? तुमने? मैंने। लेकिन इसके पीछे एक मेन रीजन था। नो मींस नो,
इसलिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बहुआ और बादशाह भाई की तरफ से कि आजकल जो जो केसेस सामने आ रहे हैं हैरेसमेंट के, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने के, इफ शी हैज सेड नो मींस नो, नो मींस नो, नो डैश जस्ट नो, नो बात खत्म. थैंक यू बादशाह भाई. थैंक यू. स्वाद सुगंध का राजा. थैंक यू. थैंक यू. 93.5 रेड एफएम बजाते रहो. थैंक यू वेरी मच बादशाह भाई. हेलो. ओ माय गॉड, इतना हॉर्न आवाज बहुत आ रही है भाई साहब पीछे. हेलो. आवाज तो आएगी भाई, रोड पे हो ना. कौन बोल रहा है? आप रोड पे आ गए, सुन के बुरा लगा. क्या बुरा लगा भाई, किस बात करनी तुझे? आप रोड पे आ गए हैं, मैं सुन के बुरा है. अबे ले तू काम क्या है, किस बात करनी बता. गलत बोल रहे आप, पीछे उनको पहले सही बोलो. सुबह सुबह अपने पीछे इतना जेड से बाप का रोड है क्या? बात कर रहे हैं. मेरी बात सुनिए एक सेकेंड. बता. प्रोजेक्ट के सिलसिले में कल मैं मेंटल हॉस्पिटल गया था. तुझे जरूरत भी है भाई, जिस हिसाब से तू बात कर रहा है जरूरत है. बंद क्यों नहीं कर रहा? एक सेकंड बात कर लो ना भाई, बहुआ बोल लो. एक सेकंड तो रुको. अबे तो मैं तेरे को जानता नहीं, तो क्यों? एक सेकंड सुन लो ना भैया जी. क्या क्या सुना रहा है? एक सेकंड. कल मैं पागल खाने बता रहा हूँ ना, कल मैं पागल खाने गया तो मैं डॉक्टर से पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब आप पेशेंट को कैसे पहचानते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है. अच्छा. तो डॉक्टर ने बोला है कि हम मरीज को एक वॉशिंग मशीन पानी से पूरा भर के दे देते हैं. अच्छा. फिर वॉशिंग मशीन जानते हो ना, इसमें कपड़े धोते हैं? हाँ. के तेरी मां धोती मेरे घर पे. बता आगे बता. नहीं आप रोड पे आ गए हो ना, इसलिए मैंने सोचा वॉशिंग मशीन से. आगे बता जल्दी. फोन काट दूंगा. सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड. तो बोले वॉशिंग मशीन पानी से भर के देते हैं मरीज को. फिर एक एक चम्मच देते हैं, एक गिलास देते हैं और एक बाल्टी देते हैं. और फिर ये देकर कहते हैं कि वॉशिंग मशीन को खाली करे. अच्छा. अब बताओ. मैं क्या बताऊँ, नॉर्मल आदमी होता तो कैसे खाली करता? तो वॉशिंग मशीन तो भाई बाल्टी से खाली होगी ना, चम्मच और गिलास से थोड़ा ना खाली होगी. क्यों नहीं खाली होगी चम्मच गिलास से? गिलास और चम्मच से छोटी होती है ना. क्या हाँ कर रहा है? मैंने भी यही बोला डॉक्टर को कि बाल्टी से खाली करेगा, चम्मच और गिलास तो छोटा होता है. तो पता है डॉक्टर ने क्या बोला? क्या बोला? कि नॉर्मल आदमी जो है ना, मशीन के पीछे ड्रेन का पाइप होता है, स्विच. अच्छा. उसको घुमा के मशीन खाली करेगा. बाल्टी से तो उसको तू के तुझे और कोई काम नहीं मिला. आप भी एक मरीज है. चले जा ली, तेरा खानदान होगा. वॉशिंग मशीन चम्मच ना, बाल्टी बाल्टी से खाली करेगा. चम्मच गिलास छोटे होते हैं. गलत बोल के फोन काट रहे हैं और पीछे हॉर्न बजा रहे हैं. टेल देम डोंट बी हॉर्नी. 93.5 एफएम बजाते रहे. बहुआ बोल रहे हो भाई. बिस्मिल्ला जी ने बहुआ को फोन करके ये कहा आज कि अब तो नया जमाना आ गया है, नल खोलो फट से पानी आ जाता है. एक जमाना हुआ करता था जब घरों में बोरिंग करवाई जाती थी. अब इसी पर बहुआ ने क्या मस्ती करी, आइए सुनते हैं. हेलो. हेलो. हेलो अंकिल, नमस्ते. कौन है अंकिल? आवाज कट रही. मैं बहुआ बोल रहा हूँ. कौन बोल, कौन रहे हो? आपसे 2 मिनट मदद चाहिए थी. अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद पानी की समस्या सुलझ जाए. आपके क्या पानी का प्रॉब्लम है? तो मेरे पास भी फोन मिला रहा है. इसलिए मिला रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी. कैसे वो मैं बता दूंगा. मेरे बात सुनने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? एक सेकंड मैं बता रहा हूँ ना. एक बार एक मक्खी थी, उसने एक मच्छर से शादी कर दी. क्या? फिर अगले दिन मक्खी रोती हुई पहुंची उसकी बहन के पास. उसकी बहन ने मक्खी से पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो मक्खी ने बोला, कल रात को गुड नाइट चला दिया था, तेरा जीजा नहीं रहा. वही और मच्छर लेके बैठ गए क्या? मक्खी मच्छर. एक सेकंड. एक बार पत्नी ने गुस्से में पति से बोला, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी. फिर पति ने तुरंत पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और पत्नी के सामने रख दिया. फिर पत्नी ने बोला, मुझे मना रहे हो क्या? फिर पति ने बोला, नहीं रे पगली, सुबह काम से पहले मीठा खिलाना चाहिए. हो गया? हो गई आपकी समस्या सॉल्व? नहीं, पानी अभी आएगा, रुको तो. आ रहे, एक सेकंड. अरे यार ये बकवास करने पानी कैसे आ जाएगा? खराब बोल रहा यार. गंदा बोल रहा है. पानी आएगा, मैं बोल रहा हूँ. कहाँ से आ जाएगा? आएगा पानी. ये मतलब तेरे मैं बता रहा हूँ. देखो आपको मेरा जोक कैसा लगा? बहुत ही रद्दी था, बहुत बोरिंग था. एक मिनट, आपने कहा रद्दी और बोरिंग. बोरिंग देखो, बोरिंग होगा तो पानी आएगा. अगेन मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, मैं थोड़ा और बोर्डिंग करूंगा जिससे पानी आ जाएगा बोर्डिंग से. एक अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या? फोन मत कर, दिमाग खराब कर दिया तेने. बोरिंग ना तरीका, फोन मत मिला. चल. हेलो. हेलो. नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही हूँ. हाँ जी.
क्या गंदा बोला आपने? वो कह रहा पानी की दिक्कत है, बोरिंग कर रहे हैं आप। आपको प्लान बताने के लिए फोन किया मैंने। नहीं, मेरे को कोई प्लान नहीं जानना है। एक सेकंड सुनिए, आप नहीं सुनना है तो रख सकते हैं आप, गंदा गाली देंगे आप। जल्दी बताओ, प्लान खत्म करो, बात खत्म करो। सुनिए, अगर 7 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 9 रुपए, 9 का कराएंगे तो 11 का कराएंगे तो 15, और 15 का कराएंगे तो 17 रुपए मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लान है या नहीं है? कोई एक्साइटिंग प्लान नहीं है, बहुत बोरिंग प्लान है आपका, हो गया आपका, रखिए चलिए अब। क्या कहा आपने? मैंने सुन लिया आपकी बात, मुझे नीचे गाली दे रहे थे इससे पहले। अरे गाली का क्या लेना देना आपसे, अब मैंने कोई गाली की दे के बात करी क्या? मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मैंने बस बोल दिया। आपने कहा एक्साइटिंग नहीं है प्लान, बहुत बकवास है, बोरिंग है प्लान। अच्छा बोरिंग, अब तू बोरिंग बोल रहा है जब मैं बोरिंग बोल रहा। हेलो सर, मैं से बोल रहा था, आपके नंबर की डिटेल आप बता सकते हैं सर? नंबर कंफर्म करना है आपको? जी सर। हाँ जी, ये 9999631631699। जी हाँ, यही नंबर दिखा रहे हैं ना वहाँ पे? जी सर। तो मेरे फॉर्म में दिक्कत क्या हो गई? सर आपने नाम की जगह पे आपने आपके फॉर्म में नाम की जगह एड्रेस लिख दिया है सर। मतलब मैं समझा नहीं, नाम की जगह विकासपुरी सर आपने एड्रेस डाला है? नहीं नहीं नहीं, विकासपुरी मेरा नाम ही है भाई साहब। अच्छा, विकासपुरी आपका नाम है? हाँ जी, विकासपुरी। जी सर, आपके फादर का नाम कंफर्म करिए। जी, फादर का नाम जनकपुरी। जी सर, लिख लिया आपने? जी सर। और कोई डिटेल? सर आपकी मदर का नाम? उनका नाम मायापुरी। आप हंस क्यों रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सर। नहीं, आप बताए और कोई डिटेल चाहिए? आप इस घर में किसको फैमिली नंबर फैमिली में ऐड करना चाहते हैं सर? मैं, हाँ, अपने दादाजी को भी ऐड करना है मेरे को। सर उनका नाम क्या है सर? त्रिलोकपुरी। आप बदतमीजी कर रहे हैं भाई साहब। नहीं सर, दादाजी का लिख लिया? जी सर। मेरे भैया और भाभी भी ऐड हो सकते हैं? हाँ जी सर, हो सकते हैं। भैया का नाम लिखिए। जी सर, गोविंदपुरी। गोविंदपुरी क्या सर? और भाभी का नाम? भाभी जी का नाम सीमापुरी। सीमापुरी, ठीक है सर। अरे मेरा पता तो लिख लीजिए। हाँ जी सर, मंगलपुरी। मंगलपुरी। सर मेरे को माफ करिएगा, आप सर मजाक, आप मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मंगलपुरी में ही रहता हूँ। मेरे भैया भाभी गोविंदपुरी और सीमापुरी, मम्मी मायापुरी, दादाजी त्रिलोकपुरी, पिताजी का क्या लिखा आपने? जनकपुरी, मायापुरी, और आपने जो जो एड्रेस बताया वो सब कुछ लिख रखा। नहीं तो वापस बताइए मैंने क्या क्या बोला। आपने जनकपुरी, कौन जनकपुरी? आपका नाम? मेरा नाम विकासपुरी भाई साहब, कंफ्यूज हो रहे हैं। आपका नाम विकासपुरी? पापा जनकपुरी, मम्मी कौन? मम्मी त्रिलोकपुरी। अरे वो दादाजी है त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी। अच्छा जी सर। और भाभी जी का नाम? सीमापुरी। पूरी नहीं, पूरी। हाँ पूरी, वो तो हलवा के साथ या फिर कद्दू के साथ होती है। जी सर। या छोले के साथ। जी सर। और मेरा एड्रेस? मेरा एड्रेस? आपका एड्रेस सर, आपका एड्रेस है वो सर, आप शायद मजाक कर रहे हैं, और आपको चाहिए होगा तो सर आपका एग्जीक्यूटिव आपको फोन करेगा। आप नहीं कर सकते सर, आप, हम ये बात नहीं कर सकते। अच्छा सर, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे कलेक्शन के बारे में बताइए ना आप। सर आपसे बात करने के लिए सर थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनो, मायापुरी, पापा का नाम गलत बोला तूने, पापा मायापुरी नहीं, पापा जनकपुरी है, दादाजी त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी, एड्रेस मंगोलपुरी, भाभी का नाम सीमापुरी, भैया गोविंदपुरी, मैं विकासपुरी। याद हो गया तेरे को। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू वेरी मच जोसेफ। हेलो। ओ व्हाट अ कोएक्सीडेंट। यस लेडीज। हूज दैट? हाय, मैं बउआ बोल रही हूँ। लेडीज हु? बउआ? मी बउआ। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम, ओ टू मच इंग्लिश इज इंजीनियर्स टू हेल्प। हेलो। ओके, हु आर यू, जस्ट टेल मी। लेट्स डिसाइड। हेलो, हिंदी डील करते हैं, हिंदी। ओके, कम अगेन। या आई विल कम अगेन एंड अगेन। गॉड, सॉरी, डू यू हैव 2 मिनट्स? हिंदी में बोलो, 2 मिनट है, बोलो। ओह सॉरी, आई न देसी गर्ल। मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बात के लिए। अजय सुन, बात तो सुनिए। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। व्हाट? दूध का जला एंड छाछ एंड ऑल दैट, क्या? लेट मी टेल,
translate this into hot milk drinking and burning. Oh my god. And then after that drinking buttered milk while doing foo foo. तो हिंदी में बोलो के. Okay, listen. कोई कहता है दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है, यानी दूध का जला यानी जले पे नमक यानी दूध में नमक यानी दूध फट गया यानी फटने के बाद दूध बना पनीर. अच्छा. यानी पनीर को भी फूक फूक के खाना होगा. अच्छा. Are you laughing? No, I'm not laughing. You are actually. Stupid joke से मुझे कोई हंसी नहीं आती है. तो अच्छा सुनिए. तो यानी मैं फूक जोक मार के खुद ही हंस रहे हो तुम. अच्छा. Am I doing that much too much? Yeah, you're doing too much. Oh, okay. Let's do three much. Just shut up. Spoon को बोलते हैं चम्मच. Yeah. Sorry. अच्छा इसलिए देखिए ये दूध का जलना छाछ को फूकना पनीर का फटना मैं इसको जड़ से खत्म करना चाह रहा हूँ इसलिए सीधे तबेले में आ गया हूँ. क्या? और मैं सोच रहा हूँ भैंस को ही फूंक मार दूंगा. साला है क्या तेरा प्रॉब्लम? क्या है? प्रॉब्लम नहीं, भैंस को फूंक मार दो न दूध को फूंकने न छाछ को, बात खलास. क्या है दूध छाछ भैंस है क्या ये? तो देसी गर्ल अब्यूजिंग. जस्ट शट अप. मैं अंग्रेजी में भी अब्यूज कर सकती हूँ, समझ आई है? आर यू श्योर? यस आई एम श्योर. जस्ट फक ऑफ. जब गंदा बोला छी आंटी लेडीज. आंटी होगी तेरी माँ. अजब. ओ माँ ये कब छी आज नहीं कुछ वैसे नहीं, उन्होंने खाली बोला फूक ऑफ. सुरेंद्र जी फोन करके कह रहे थे रौनक भाई गर्मी इतनी बढ़ रही है दिन ब दिन कि इंसान का दिमाग गर्म हो गया, छोटी छोटी बात पे गर्म हो जाता है इंसान. अब इसी पे बउआ ने क्या फायदा उठाया इस चीज का सुनते हैं. अच्छा हेलो, मतलब क्या है आपके क्वालिटी ट्यून का? अरे तुम काम बोलो ना यार. काम क्या तुम्हें? मैं बउआ बोल रहा हूँ. अंकल. हाँ बउआ बोल. रोशनी है? नहीं नहीं कोई रोशनी. तो फिर अंधेरे में क्यों बैठो, बत्ती जला लो. चलो चल हेलो हेलो. हेलो जी बउआ बोल रहा हूँ. तो काम बता रहे तेरे को क्या काम है? रोशनी तो थी नहीं. हाँ, पूजा है. अबे तू कभी रोशनी पूछता, कभी पूजा पूछता, तेरे को मतलब किससे है? मतलब मैं पूछ रहे थे पूजा नहीं है ना कोई? तो पूजा कटवाई है. जय माता जी अंकल. जय माता जी. तू बता तेरे को काम क्या है? सॉरी मेरी बात सुनियो. पेन है? पेन. तू कभी पूजा पूछ रहे पेन है? आप गुस्सा ना करिए मेरी बात. तो गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? आपकी तूने पेन या पूजा या किसी का भी कुछ पूछा ना? हाँ जी. हटोड़ा मारेंगे. क्यों हटोड़ा मारेंगे? हेलो दर्द है इसमें. तो तू परेशान कर रहा है गधे के बच्चे. साले झापड़ मार दो तेरे थोड़ा मार दो साले के. हेलो. हाँ कौन? क्या गंदा बोले आपने? पीछे से मतलब इसी नंबर से बार बार कोई परेशान. यस, देख लेना चाहिए ना कौन बात कर रहा है. फोन पे दिखता नहीं है ना कौन बात कर रहा है कौन नहीं. जवान लड़ा रहे हो? हाँ जवान लड़ा रहे यार. गाली दे रहे थे आप मेरे को, कंप्लेन करूँ मैं? कभी इसी नंबर से फोन आता है कि क्या नाम है तो रोशनी है ये है वो है, क्या दिमाग खराब. एक मिनट रुकिए, आप नंबर लिखवाइए अपना. 995. एक सेकेंड चेक. मैंने कॉल किया ना. हाँ. तो नंबर होगा मेरे पास, क्यों लिखवा रहे हो? फिर ये बेकार की बात तुम क्यों कर रहे हो? ये हथौड़ा है तुम्हारे पास? नहीं है. क्यों क्या करना है? एक सेकंड रुको, हथौड़ा नहीं है. अच्छा नहीं है. हेलो पेन है फिर? तू आवाज का बदल. हेलो काट दिया आवाज का. छोड़ो अंकल. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. जी हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक बड़े ही आला और माहिर शख्सियत नाम बैरागी जी लिखते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, इतना नुक्ता मेरे मुंह पर आया एकदम. गुफ्तगु होती है हफ्ते दर हफ्ते जनाब हजरत. जी जी जनाब. जहाँ पर हम कुछ इन जैसे एक आला हजरत से बातचीत करते हैं. आप जैसे लोगों को अमूमन मुसलसल खौफ ज़दा बाकायदा बेपना अक्सर जालिम करते हैं. बहुत बढ़िया बातचीत होती है आप लोगों से भी. जनाब मसला क्या है आपका, आप बताइएगा. मसला ये है जनाब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच मुकर्रर किया गया है 4 तारीख को, आप इतवार के दिन. आपको तो पता ही है. अच्छा, वो जो के लिए तो हम हमेशा बात करने के लिए तैयार है ना. हिंदुस्तान से तो खास तौर पर. खास तौर पर खास. बहुत बढ़िया. लीजिए पानी पीजिए. हेलो जी. हाँ तो आपने वो एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा. हजरत आवाज आ रही है आप?
ये ऐड देखकर खून भी जरूर खोला होगा। बहुत ज्यादा खोलता है। अब आप क्या करें, आपके मुल्क की एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो बना देती है तो अभी हमारी बात सुनिए। नहीं बात उसकी नहीं, बात है इसमें दिखाया गया है कि आप लोगों के पास पटाखे हैं जो आप नहीं जला पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो पटाखे जरूर छोड़ेंगे ना। जब तक आप पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं तब तक आप क्या करें, यही बैरागी जी आपको बताने। बैरागी जी, एक खूबसूरत मोहतरमा से प्रपोजल तो रख सकते हैं उनके सामने? रख सकते हैं भाई साहब। देखिए जनाब, मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ बैरागी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि उस लड़की का आप अगर प्रपोजल रखे और वो मान जाए तो आप उसे छोड़ दें। मतलब देखिए, जैसी वो मान जाएगी तो आपको ये होगा कि पटाखे छोड़ दिया, पटाखे छोड़ दो, छोड़ दिया। इजी बातें कर रहे हैं नहीं तो इससे पटाखों का क्या लेना देना। देखिए आप पटाखे नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आप उस लड़की को पटाखे छोड़ दीजिए, वो अपना अलबस्तम। यहाँ पर बात क्रिकेट मैच की चल रही है। दारुल हुकूमत हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं जनाबे, मालूमात करने के लिए गुफ्तगु मुंह पे ऐसा फेंकेंगे कि रब्ता कायम होते होते मुकर्रर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। आप सलीके की बातें करिए ना, सलीका 36 नंबर मजमुआ नंबर जो इत्र है उसको आप लगाइए दाहिनी कोहनी से लेकर गर्दन तक। इनका नाम क्या बैठा की? इनका नाम एक से अल्लाह हाफिज से पहले इनका नाम तो सुनिए। चाबुक गैलीलियो हमारे साथ जुड़े हुए। आपका नाम चाबुक गैलीलियो है? दो चाबुक जब आप पड़ेंगी तब पे नहीं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। आप फोन जनाबे हजरत, इस बार का पैगाम कहाँ से है बैठेगी? इस बार काफी अंदरूने मुल्क कुलफत नगर के गफलतपुर में दांत से कड़छी पकड़कर कुकर में पड़ी कड़ी हिलाने वाली कर्तवी फीजी कहती हुई वाइज आर एफ से रॉकिंग। कर्तवी फीजी मोहतरमा को कहना चाहूंगा कि एफ से रॉकिंग नहीं होता है, तबस्सुम मजमुए में खुशबुओं का आलम मुसलसल अमूमन बाकायदा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एहतियातन दारुल हुकूमत परवालम हतरम है बजाते रहो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक बड़े ही आला और माहिर शख्सियत नाम बैरागी जी लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना नुक्ता मेरे मुंह पर आया एकदम। गुफ्तगू होती है हफ्ते दर हफ्ते जनाब हजरत। जी जी जनाब। जहाँ पर हम कुछ इन जैसे एक आला हजरत से बातचीत करते हैं। आप जैसे लोगों को अमूमन मुसलसल खौफजदा बाकायदा बेपना अक्सर जालिम करते हैं। बहुत बढ़िया बातचीत होती है आप लोगों से भी। जनाब मसला क्या है आपका, आप बताइएगा। मसला ये है जनाब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच मुकर्रर किया गया है 4 तारीख को, आप इतवार के दिन, आपको तो पता ही है। अच्छा, वो जो के लिए तो हम हमेशा बात करने के लिए तैयार है ना बात, हिंदुस्तान से तो खास तौर पर खास। बहुत बढ़िया, लीजिए पानी पीजिए। हेलो जी हाँ, तो आपने वो एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा हजरत, आवाज आ रही है आपको? यह एड देखकर खून भी जरूर खोला होगा। बहुत ज्यादा खोलता है। अब आप क्या करें, आपके मुल्क की एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो बना देती है तो अभी हमारी बात सुनिए। नहीं बात उसकी नहीं, बात है इसमें दिखाया गया है कि आप लोगों के पास पटाखे हैं जो आप नहीं जला पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो पटाखे जरूर छोड़ेंगे ना। जब तक आप पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं तब तक आप क्या करें, यही बैरागी जी आपको बताने। बैरागी जी, एक खूबसूरत मोहतरमा से प्रपोजल तो रख सकते हैं उनके सामने? रख सकते हैं भाई साहब। देखिए जनाब, मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ बैरागी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि उस लड़की का आप अगर प्रपोजल रखे और वो मान जाए तो आप उसे छोड़ दें। मतलब देखिए, जैसी वो मान जाएगी तो आपको ये होगा कि पटाखे छोड़ दिया, पटाखे छोड़ दो, छोड़ दिया। इजी बातें कर रहे हैं। नहीं तो इससे पटाखों का क्या लेना देना। देखिए आप पटाखे नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आप उस लड़की को पटाखे छोड़ दीजिए, वो अपना अलबस्तम। यहाँ पर बात क्रिकेट मैच की चल रही है। दारुल हुकूमत हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं जनाबे, मालूमात करने के लिए गुफ्तगू मुंह पे ऐसा फेंकेंगे कि रब्ता कायम होते होते मुकर्रर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सलीके की बातें करिए ना, सलीका 36 नंबर मजमुआ नंबर जो इत्र है उसको आप लगाइए दाहिनी कोहनी से लेकर गर्दन तक। इनका नाम क्या बैठा की? इनका नाम एक से अल्लाह हाफिज से पहले इनका नाम तो सुनिए। चाबुक गैलीलियो हमारे साथ जुड़े हुए। आपका नाम चाबुक गैलीलियो है? दो चाबुक जब आप पड़ेंगी तब पे नहीं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। आप फोन जनाबे हजरत, इस बार का पैगाम कहाँ से है बैठेगी? इस बार काफी अंदरूने मुल्क कुलफत नगर के गफलतपुर में दांत से कड़छी पकड़कर कुकर में पड़ी कड़ी हिलाने वाली
कर्तवी फीजी कहती हूँ वाइज आर एफ से रॉकिंग कर्तवी फीजी मोहतरमा को कहना चाहूंगा कि एफ से रॉकिंग नहीं होता है तबस्सुम मजमुए में खुशबुओं का आलम मुसलसल अमूमन बाकायदा 93.5 रेड एफएम बजाते एहतियातन दारुल हुकूमत परवालम हैत्रम हैत्रम है भाई। मोहित ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कहते रौनक भाई आज का जमाना ऐसा है कि अगर आप फोकट में ज्ञान बांटोगे ना तो कोई भी इंसान उसे लेने के लिए राजी नहीं होगा। अब इसी पे बहुआ ने क्या किया सुनिए। हेलो कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते कौन? बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। यार एक काम था। बोलो। नहीं मेरा खुद का काम है, मैं सोच रहा हूँ उसको कर लूँ फिर आपसे बात करूँ। तो फिर मुझे क्यों फोन किया तूने? चलो ठीक है, अब लग गए तो बात कर ही लेता हूँ। ओ पागल, कल बता। सॉरी। देखो जिंदगी की भाग दौड़ में हम इतना लीन हो गए कि पता ही नहीं चला कब गोलगप्पे 10-3 हो गए। है कि नहीं? हंसले हंसले अब ऐसे लग रहा फुर्सत में है ना। अरे तो वो एक काम कर लूँ मैं जो था। नहीं एक सेकंड सर, बिजी हो लगता है, पैसे कमाने हैं ना। अरे पैसे सबको कमाने। लेकिन ये आशीर्वाद तुम्हें आगे बढ़ने का कौन देता है आपको मालूम है? बोल। तुझे आगे बढ़ने का असली आशीर्वाद तो कंडक्टर देता है। कंडक्टर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्या बोलने जा रहा तू? बता गलत बोला क्या मैंने? गलत तो नहीं बोला। अच्छा सुन एक बात बता, तेरे घर में टॉयलेट बना है? हाँ बना है। ओहो यार मेरे घर पे तो दाल चावल बना है। हम लोग तो दाल चावल खाते हैं, आप लोग मतलब छी। एक आखिरी चीज मैं बता दूँ, मेरे को मालूम है तेरे पास टाइम बहुत है पर मेरे पास नहीं है। मेरे वहाँ बस कर भाई। नहीं एक मिनट बस, मैं जा रहा हूँ एक सेकंड। एक आखिरी, जल्दी बोल। हाँ जल्दी बोल। रावण कौन था? रावण कहा तुमको पता? महाभारत में था। महाभारत? ओ आलिया भट्ट महाभारत में नहीं था? इतना लग रहा है। सॉरी ओए पटाखा गुड़ी सुन तो। हाँ। जो रावण था। हाँ। उसे अपनी गलतियों का एहसास था। अच्छा फिर? लेकिन फिर भी उसने माफी नहीं मांगी, पता है क्यों? क्यों? अरे अगर मांगता भी तो किस मुंह से माफी मांगता? ओ वाह। ओ माय गॉड। नहीं गंदा मत बोल। नहीं महाभारत में था आलिया भट्ट। काट रहा हूँ मैं खुद ही। महाभारत में रावण पहुँचा दिया। हेलो।